क्या आप शाहरुख खान सलमान खान के भरोसे अपनी फिल्मों को हिट कराएंगे? यहाँ पे तो अंदाज़ा तो यही लग रहा दोस्तों। अभी जहाँ तक की खबर आ रही थी कि पठान में सलमान खान का कोमियो होगा। देखो कोमियो किसे कहते हैं दोस्तों? कोमियो का मतलब होता है 2 मिनट, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। लेकिन अभी खबर बहुत बड़ी आ रही है कि सलमान भाई का इसमें सिक्वेंसेस जो है, एक्शन सिक्वेंसेस जो कि 15 मिनट का होगा दोस्तों, और वो भी 10 दिन शूट करेंगे जनवरी महीने में पठान मूवी में। मतलब कि शाहरुख खान को उन्होंने 10 दिन दे दिया आदित्य चोपड़ा के हाथ में कि आप पठान के लिए, मेरा 10 दिन आपके लिए। तो सलमान खान क्या अब शाहरुख खान को हिट कराएंगे? क्योंकि शाहरुख खान की जो मूवी थी दोस्तों लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा पिटती रही। रईस बोले तो बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो कि बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। लास्ट उनकी मूवी थी जीरो, जो कि बॉक्स ऑफिस पे मज़ा नहीं आया पब्लिक को, ऑडियंस को दोस्तों। लेकिन लोगों का कहना यही है दोस्तों, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ, लोगों का कहना है कि शाहरुख खान अब सलमान खान को लेके ही वो अपना एक करियर को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है सलमान खान की एंट्री हो जाएगी और शाहरुख खान रहेंगे, जॉन इब्राहिम है यार, बोले तो यार एक अलग लेवल की मूवी बन रही है दोस्तों, बोले तो इसमें फाड़ देगी, रियल बता रहा हूँ। ये शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर साबित होगी मूवी सलमान खान की वजह से। एक वक्त था जब सलमान खान की फिल्मों में शाहरुख खान की ज़रूरत पड़ती थी कोमियों के लिए, लेकिन आज देख लो वक्त जो बोलते हैं ना, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। आज ज़रूरत पड़ रहा शाहरुख खान को कोमियों करने के लिए, सलमान खान को ज़रूरत पड़ रहा शाहरुख खान की फिल्मों में सलमान खान को करने के लिए दोस्तों। तो वक्त बदल गया दोस्तों, जाहिर सी बात है। तो भाई यही बोलूँगा कि शाहरुख खान को एक बेहतरीन कमबैक होने वाला है। और सबसे बड़ी खबर मालूम क्या दोस्तों? जॉन इब्राहिम के साथ ये लोग देखेंगे एक्शन करते, ये बड़ी बात हो गई। तो भाई बस इतना ही बोलूँगा, फाड़ देगी ये मूवी, आग लगा देगी। तो बस भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ दोस्तों वो बेल आइकन जरूर दबाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।